Okay, first of all, Assalamu alaikum class. I am Sir Irfan, and today we are dealing with the topic from grammar portion. So the topic is the kinds of sentences. Before going to describe all the three kinds of sentences, we are very much aware that our own writing style is different from the other people. हम में से हर कोई अपनी लैंग्वेज अपने तरीके से लिखता है, तो कुछ सिंपल सेंटेंस यूज करते हैं, कुछ कंपाउंड, कुछ कॉम्प्लेक्स। लेकिन हम स्टूडेंट्स को मैट्रिक लेवल तक या कॉलेज लेवल तक, इवन यूनिवर्सिटी लेवल तक, ये पता नहीं होता कि हम कौन सा स्टाइल यूज कर रहे हैं। सिंपल स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं, कंपाउंड को या कॉम्प्लेक्स को। और ज्यादातर ये जो क्वेश्चन हैं, ये एमसीक्यू टेस्ट, डिफरेंट टेस्ट में भी आते हैं। फॉर लेक्चरशिप पोस्ट वो सेंटेंस दे देते हैं, बच्चों से पूछते हैं कि आप इनमें से फाइंड करेंगे सिंपल सेंटेंस कौन सा है, कंपाउंड कौन सा, कॉम्प्लेक्स कौन सा है। तो इस वीडियो में हम ये तीनों टाइप्स और उनके एग्जांपल्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि व्हाट इज अ सिंपल सेंटेंस। वी आर हैविंग द डेफिनेशन, देन वी हैव एग्जांपल्स टू। ओके, तो अ सिंपल सेंटेंस हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड समटाइम्स एन ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। सिंपल सेंटेंस में हमेशा एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, और उसके पीछे थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन भी होती है। The subject is who or what the sentence about। और ज्यादातर बच्चों को ये भी पता नहीं होता कि subject क्या होता है। Subject वो होता है जिसके बारे में बात की जा रही हो एक sentence में। और subject non-living भी हो सकता है, subject living भी हो सकता है। तो वो जब हम practice करेंगे, चीजों को पढ़ेंगे, तो हमें पता लगेगा। लेकिन यहाँ तक आप ये चीज समझ आनी चाहिए कि the subject is who or what the sentence is about। उसके आगे हम ये देखेंगे the verb and the object are complement together are often called the predicate। और ये भी प्रेडिकेट भी सेंटेंस का ऐसा होता है, जब वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलते हैं तो वो टुगेदर एक साथ साथ प्रेडिकेट बनाते हैं। और आगे मैं ये आपको बताऊंगा कि सिंपल सेंटेंस हैज टू पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड इट्स प्रेडिकेट। तो सिंपल सेंटेंस के दो पार्ट्स कैसे हैं, जब सब्जेक्ट कैसा है और प्रेडिकेट कैसा है। नीचे एग्जाम्पल देख लें, शी स्माइल, नाउ शी सब्जेक्ट वर्ब इज स्माइल, शी स्माइल इज सिंपल सेंटेंस। There is no any explanation. You are not using subordinating or ordinating clauses. You are not using connections, any comma, any punctuation mark. But a very straightforward sentence, that is she smiled. उसके अलावा दूसरा example है हमारे पास, she looked pretty. Now she subject verb is looked pretty is complement. She looked pretty. ये भी एक simple sentence का example है हमारे पास। तो इसी तरीके से ये आपका simple sentence cover होता है। इसमें आपने क्या सीखा? इसमें आपने ये सीखा कि सिंपल सेंटेंस में सिंपली एक सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है, और उनके बारे में थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन होती है, और किसी भी चीज की हम उसमें एडिंग नहीं करते। मूविंग फॉरवर्ड, कंपाउंड सेंटेंस। अब कंपाउंड जो बच्चे हैं उनको पता होता है कि किसी भी दो चीजों को मिलाते हैं तो वो कंपाउंड बन जाता है, बॉन्ड्स होते हैं, ये वो अपने केमिस्ट्री फिजिक्स में पढ़ते हैं, ये कंपाउंड एलिमेंट वगैरह। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंसेस, जो जुमले हम लिखते हैं, वो कंपाउंड क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, वो कंपाउंड होते हैं किस लिए होते हैं, ये हम उनके डेफिनेशन भी पढ़ेंगे, और वो कौन से सेंटेंस होते हैं वो हम एक एग्जांपल भी देखेंगे। तो कंपाउंड सेंटेंस है बेसिकली टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस जॉइंड टुगेदर, मतलब एक से बढ़कर दो सेंटेंस होते हैं जिनको हम एक साथ मिलाते हैं तो वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है, और यूजुअली विद अ कॉमा एंड अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। आप सबको पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंजक्शन का जो वर्क है वो है कनेक्शन, कनेक्टिविटी, एक पुल है, ब्रिज है, जो दो चीजों को मिलाता है, उसको हम कहते हैं कंजक्शन। और कंजक्शन के भी किस्म है डिफरेंट, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम पढ़ेंगे उनको। अब मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा कंपाउंड सेंटेंस का, और ये बात याद रखना कि कंपाउंड सेंटेंस में हम क्या यूज करते हैं, कॉमा या कोई भी पंक्चुएशन मार्क भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो क्या है, शी स्माइल, उसके बाद एक कॉमा एंड शी लाफ्ड। अब देखें पिछले स्लाइड्स में हमने ये पढ़ा कि शी स्माइल जो है वो सिंपल सेंटेंस था, चलो वो सिंपल था, लेकिन यहाँ पे सिंपल और सिंपल दोनों को मिला के हमने कंपाउंड कर दिया है। बीच में हमने क्या यूज किया है, कॉमा और एंड यूज किया है। नाउ सी टू सेंटेंस जॉइंड विद अ कॉमा प्लस कोऑर्डिनेटर। अब ये कोऑर्डिनेटर क्या है, ये एंड जो बीच में लगा हुआ है, और शी स्माइल के बाद कॉमा जो बीच में लगी हुई है। सो इन दिस रिगार्ड वी से दिस इज द कंपाउंड सेंटेंस। ओके, नाउ सी द कॉम्प्लेक्स वन। कॉम्प्लेक्स में हम ये कहते हैं कोई डिफिकल्ट चीज हो, कोई डिफिकल्ट सेंटेंस, उसको हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज अ सिंपल सेंटेंस विद सबऑर्डिनेट क्लॉज जॉइंड टू इट।
अब ये मैं आपको बताऊंगा कि सब ऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट क्लासेस क्या है और उसका सेंस क्या है, ताकि आपको पता हो। हम सिंपल लैंग्वेज में उर्दू सिंधी में भी ऐसे जुमले बोल जाते हैं बाजू का कि हमें पता नहीं होता कि यार हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर, क्योंकि लैंग्वेज इज ऑल अबाउट स्पीकिंग। व्हाट यू स्पीक यू कन्वे द मैसेज एंड दैट इज द मैसेज, पर डिपेंड करता है कि हम कौन सी लैंग्वेज में वो मैसेज कन्वे कर रहे हैं, सिंपल में या कॉम्प्लेक्स में या कंपाउंड में। वो फिर ग्रामेरियन लिंग्विस्ट होते हैं जिनका काम होता है लैंग्वेज को एनालाइज करना। तो बहरहाल अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अ सिंपल सेंटेंस सबॉर्डिनेटिंग क्लास जॉइन टू इट अ सबॉर्डिनेट क्लास क्या है, डिपेंड्स ऑन एन अदर क्लास टू कंप्लीट एन आइडिया, सो वी कॉल सबॉर्डिनेट क्लास डिपेंडेंट क्लास। अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल मैं लिखूंगा इसे आपको पता लग जाएगा। शी स्माइल्स व्हेन शी इज हैप्पी। अब ये जो है शी स्माइल्स है ये क्या है, ये है इंडिपेंडेंट क्लास, और व्हेन शी इज हैप्पी ये क्या है, ये है डिपेंडेंट। अब अगर मैं आपको ये बताऊं डायरेक्टली कि व्हेन शी इज स्माइल व्हेन शी इज हैप्पी, तो आप पूछोगे कि सर व्हेन शी इज हैप्पी मींस क्या। मैं ये बोलूंगा कि व्हेन शी इज हैप्पी शी स्माइल्स, या मैं इसको आगे पीछे भी कर सकता हूँ शी स्माइल्स व्हेन शी इज हैप्पी। तो ये जो है दो चीजें, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कराची गया तो क्या होगा। अब ये जो पहला सेंटेंस है, अगर मैं कराची गया तो, ये है डिपेंडेंट क्लास, ठीक है, ये डिपेंडेंट क्लास है, मतलब ये किसी और चीज पे डिपेंड करता है, किसी और सेंटेंस पे डिपेंड करता है। अगर मैं कराची गया तो मैं आपके लिए शॉपिंग करूंगा, तो अगर मैं कराची गया ये क्या है, ये डिपेंडेंट क्लास, आपके लिए शॉपिंग करूंगा तो ये डिपेंडेंट क्लास, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट क्लास प्लस डिपेंडेंट क्लास, ये दोनों मिला के हमें क्या मिलता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आई होप कि आपको ये तीनों सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ आ गए होंगे, और अगर ना आए तो आप प्लीज इन स्लाइड्स को दोबारा देखें। अब आपका एक टास्क मैं आपको दे रहा हूँ फॉर स्पेशली फॉर क्लास मैट्रिक, और ये जो टॉपिक है ये मैट्रिक के बच्चों के लिए भी है, फर्स्ट ईयर इंटर के लिए भी है, क्योंकि ये जो लैंग्वेज है ये जो ग्रामर है ये सेम है, और ये किसी बोर्ड को रिलाई नहीं, आई मीन डिपेंडेंट नहीं है कि भाई ये फेडरल बोर्ड के बच्चे पढ़े या हैदराबाद बोर्ड के बच्चे पढ़े। ये एक ग्रामर का टॉपिक है जो हमें तीनों क्लासेस में आम तरह से मिलता है। सो बीइंग इंग्लिश टीचर आई नो दैट दिस स्ट्रक्चर वेरी मच एप्लीकेबल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स टू राइट। तो टास्क आप लोगों का ये है कि आप एक शॉर्ट स्टोरी लिखेंगे, और टॉपिक क्या है शॉर्ट स्टोरी का, अ डे वेयर स्पेंड विथ योर फ्रेंड, आपने अपने दोस्त के साथ एक अच्छा दिन कैसे गुजारा, उसमें आप क्या यूज़ करेंगे, ये तीनों सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। आप जो अपनी कहानी लिखेंगे वो स्टोरी शॉर्ट होनी चाहिए, 150 वर्ड्स की भले होनी चाहिए, आप डायरेक्ट लिखेंगे कि आपकी अपने दोस्तों के साथ डे कहाँ से स्टार्ट हुआ कहाँ तक ख़त्म हुआ, ठीक है। तो और इसमें आप ये यूज़ करेंगे जो सेंटेंसेस हैं। फर्दर मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब आप ये टास्क अपना पूरा करेंगे तो ये नीचे मेरा ईमेल एड्रेस आपको नजर आ रहा है, ठीक है। आफ्टर राइटिंग योर स्टोरी यू आर एडवाइज टू सेंड इट ऑन द फॉलोइंग एड्रेस, ये है anglican-irfan1234@gmail.com, इस पर आप मुझे सेंड कर सकते हैं। एंड आई विश यू अ वेरी गुड लक, इसके बाद भी हम डिफरेंट लेक्चर्स तैयार करते रहेंगे आप लोगों के लिए। सो हैव अ गुड डे, थैंक यू।